एपिसोड के स्टार्टिंग में सब लोग कोई चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे और फिर बोले, वो देखो मैंने कभी भी पहले ऐसा नहीं देखा। गेट ऑफ जस्टिस के दरवाजे कभी भी पूरे नहीं खुलते, शायद ये इसलिए है ताकि बस्टर कॉल से आई बैटलशिप अंदर तक आ सके। फिर यहाँ पर लूफी और लूची को दिखाया गया, जहाँ पर लूफी ने बोला, मैंने फ्रैंकी को रॉबिन को बचाने के लिए कब का भेज दिया। जिसे सुनकर लूची ने अपने मन में बोला, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा ताकतवर निकलोगे, पर लगता है कि इस फॉर्म में तुम सही से सांस भी नहीं ले सकते। लूफी ने यह सब सुनकर बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सांस ले पाऊँ या फिर नहीं, मेरा मकसद है तुम्हें हराना। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया जो कि तेजी से रॉबिन की तरफ जा रहा था और उसने बोला, रॉबिन बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं बस आ गया। फिर यहाँ पर CP5 वाले को दिखाया गया जिसने बोला, रॉबिन जल्दी कर, गेट ऑफ जस्टिस बस हमारे पीछे ही है और तुझे अभी भी लगता है कि कोई तुझे बचाने आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इस तरफ नेवी वाले अपनी शिप को लेकर खड़े हुए थे ताकि रॉबिन और उस CP5 वाले को लेकर वहां से जा सकें, पर तभी उनमें से एक ने बोला, सब मेरी बात सुनो, कुछ ही देर में बॉस रॉबिन को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तब सब उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें सलामी देना। और इस सब के बाद नेवी वाले उसका इंतज़ार करने लगे। यहाँ पर वो CP5 वाला रॉबिन को बस आगे की तरफ लेकर ही जा रहा था और उसने बोला, वैसे क्या तुझे एक बात बताऊँ, अगर कोई कैसे भी करके हमारे पीछे आएगा तो वहाँ पर एक धमाका होगा, पर मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब चल आगे चलें। रॉबिन ने बोला, मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं आगे नहीं जाने वाली, उन सब ने मेरे से वादा करा था कि वो मुझे बचा लेंगे। जिसे सुनकर उस CP5 वाले ने बोला, बकवास करना बंद कर, अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस्टर कॉल सबको कुछ ही देर में मार देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले ओहारा में हुआ, तुम्हारे उस दोस्त को मरना पड़ा बस तुम्हारी वजह से। आगे से एक ऑफिसर ने बोला, बॉस जल्दी करो। जिसे सुनकर CP5 वाले ने बोला, तू अपना मुंह बंद रख, मैं बस आ ही गया, वैसे क्या तुझे पता है कि मुझे ये सब कैसे पता चला? तेरी माँ ओलिविया सोल, तेरे यहाँ का प्रोफेसर और स्कॉलर, ओहारा में सब लोग मारे गए, बची तो बस तू, मुझे ये सब मेरे पापा ने बताया। वो मेरे पापा थे जिसने ओहारा पर बस्टर कॉल बुलाई, जिसने प्रोफेसर को गोली मारी, सब लोगों को लगा कि सब मारे गए, पर वो तू थी जो कि बच गई। मैं नहीं जानता कि 79 मिलियन बैरीज की बड़ी बाउंटी के साथ तू 20 साल तक कैसे रही होगी, पर जिसने तेरे पर 20 साल पहले ये इनाम रखा वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पापा थे, और अब 20 साल बाद उनका बेटा उनका काम पूरा करेगा, जो ओहारा में शुरू हुआ वो आज ख़त्म हो जाएगा। सच कहूँ तो ओहारा हार गया। और ये सब सुनकर रॉबिन को सोल की एक बात याद आई, जहाँ पर उसने बोला, रॉबिन मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी माँ और ओहारा वो महान है, मेरे से वादा करो कि तुम इस इतिहास को आगे तक लेकर जाओगी। और ये सब याद करके वो रोने लगी और उसने बोला, जब तक कि मैं जिंदा हूँ ओहारा नहीं हारने वाला। CP5 वाले ने बोला, बकवास करना बंद कर। और तभी पीछे से एक धमाके की आवाज़ आई, फ्रैंकी उसकी वजह से नीचे गिर गया। जिसे देखकर CP5 वाले ने बोला, क्या वो कुटी फ्लैम यहाँ तक आ गया? पर जो भी हो वो एकदम पागल था, वो यहाँ तक नहीं आ सकता। रॉबिन ने उसे देखकर बोला, तो क्या वो मुझे बचाने के लिए आया था? जिसे देखकर CP5 वाले ने बोला, अब चल, अब बहुत देर हो गई। और फिर वो रॉबिन को लेकर तेजी से आगे जाने लगा और उसने बोला, सब मेरी बात सुनो, सेल सेट करो, हम यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे, और हाँ अब सलामी दो, जिस हीरो का तुम्हें इंतज़ार था वो उस खतरनाक अपराधी रॉबिन को लेकर आ गया, और इस सब के बाद वो बस आगे जाने ही वाला था। तो क्या वो रॉबिन को लेकर आगे चला जाएगा? पर शायद ऐसा नहीं, किसी ने CP5 वाले को पीछे से मार के उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसने बोला, आखिर ये था कौन, ये आखिर करा किसने? पर अजीब बात थी कि उस ब्रिज पर उनके सिवा और कोई था ही नहीं, सब लोग उसे ढूंढने लगे, पर एक एक करके कुछ ही देर में वो सब लोग भी नीचे गिर गए। CP5 वाले ने बोला, तुम सब आखिर क्या कर रहे हो, जल्दी करो और बताओ वो आखिर करा किसने? जिसे सुनकर नेवी ऑफिसर ने बोला, बॉस मैं नहीं जानता कि उसने कहां से हमला करा, पर शायद रॉबिन ने उसे देख लिया था, वो उसे देखकर रोने लगी। और इस सब के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया, जहां पर सोल ने बोला, रॉबिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा सफर बस यहीं तक का था, तुम अकेली नहीं हो, जब तुम बड़ी होगी तुम्हें अपने दोस्त मिलेंगे, ऐसे दोस्त जो तुम्हें हर कीमत पर बचा लेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद बचें या फिर नहीं, पर वो तुम्हें बचा कर रहेंगे,
वो तुम्हें इस अंधेरी भरी दुनिया से बाहर निकाल देंगे। मेरी बात को याद रखना रॉबिन, कोई भी इस दुनिया में अकेला रहने के लिए नहीं आया। और जैसा कि मैंने पहले बोला, जब बुरा टाइम हो तो हंसना। और फिर वो हंसने लगा और उसने बोला, जाओ रॉबिन और जाकर अपने दोस्तों से मिलो। और अब 20 साल बाद रॉबिन को वो दोस्त मिल ही गए। रॉबिन सामने देखकर रोने लगी। पीछे से उस CP5 वाले ने बोला, बताओ आखिर ये सब करा किसने? जिसे सुनकर एक ऑफिसर ने बोला, बॉस हमें वो मिल गया, सामने देखो, लॉ टावर के सबसे ऊपर। CP5 वाले ने यह सब सुनकर ऊपर देखा। लॉ टावर के ऊपर कोई तो खड़ा था, पर आखिर कौन? जिसे देखकर उस CP5 वाले ने बोला, एक मिनट रुको, कोई भी इतनी ज्यादा दूर से किसी को भी नहीं मार सकता, उसने आखिर हमें कैसे मारा? और इस सब के बाद हमें वो पर्सन दिखाया गया और वो और कोई नहीं बल्कि वो था उसॉप। रॉबिन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नीचे से शांची ने बोला, बढ़िया उसॉप, तुम सही में कमाल के हो। CP5 वाले ने बोला, मजाक करना बंद करो, कोई भी इतनी दूर से हमें नहीं मार सकता। पर तभी उसॉप ने उसे फिर से मार के उसे पीछे गिरा दिया। CP5 वाले ने सबसे बोला, देख क्या रहे हो, जल्दी उसे शूट करो। जिसे सुनकर उनमें से एक ने बोला, बॉस हम वो नहीं कर सकते, हमारी गोली वहां तक नहीं पहुंच सकती, वो बंदा कोई भी हो पर वो सही में कमाल का है। CP5 वाले ने बोला, पागलो उसकी तारीफ करना बंद करो और रॉबिन को यहाँ पर पकड़ के लाओ, वरना वो यहाँ से भाग जाएगी। सब शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर तभी कोई उसके अचानक से सामने आ गया और वो था और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकी। जिसे देखकर सब काफी ज्यादा चौंक गए। रॉबिन उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी। यहाँ पर उसॉप ने ट्रांसपोंडर स्नेल से बताया, सुनो फ्रैंकी, मैंने 2 और चाबियां यहाँ से भेज दी हैं। उस कपड़े में 2 चाबी और होंगी, मतलब कि हमने सबको हरा दिया। पीछे से उस CP5 वाले की आंखें ये सब सुनकर बाहर आ गईं और उसने बोला, क्या सारी चाबियां मिल गईं? पर आखिर कैसे, तुम सब गधों ने उन्हें कैसे हरा दिया? यहाँ पर फ्रैंकी ने चाबी लगाकर कुछ ही देर में हथकड़ी खोल दी। जिसे देखकर CP5 वाला काफी ज्यादा चौंक गया और उसने बोला, ये सब आखिर है क्या? क्या इसका मतलब तुम सबने सही में उन्हें हरा दिया? फ्रैंकी ने बोला, सुनो सब, रॉबिन के हाथ की हथकड़ियां अब खुल चुकी हैं। जिसे सुनकर सब काफी ज्यादा खुश हो गए। रॉबिन भी ऐसे दोस्तों को पाकर काफी ज्यादा खुश थी। पर अब टाइम है किसी से बदला लेने का। रॉबिन ने CP5 वाले पर अपने डेविल फुट से हमला कर दिया और उसे काफी तेजी से मारने लगी। उसने बोला, ये उसके लिए जो तुमने मेरे साथ करा। CP5 वाले को पिटते हुए देखना सही में काफी ज्यादा मजेदार था। यहाँ पर सोगे किंग ने बोला, जैसा कि मैंने प्लान बनाया था सब बिल्कुल वैसे ही हुआ। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई दी, ऐसी आवाज़ जैसे वहाँ पर कोई धमाका हुआ हो। तो क्या ये बस्टर कॉल की तबाही से पहले की आवाज़ थी या फिर कुछ और?